पूरे देश में तेजी से विलुप्त हो रहे वन भैंसा को छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया था। साथ ही संरक्षण और संवर्धन के लिए शासन द्वारा कई प्रकार के प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है। गरियाबंद जिला के उदंती अभयारण्य में मात्र 7 वन भैंसा ही बचा है। इनमें से एक की आंख में इन्फेक्शन हो गया है, जबकि एक कहीं लापता है। बाकी 5 भैंसा छोटू, मोहन, वीरा, सोमू और हीरा को 30 हेक्टेयर वाली जंगल के बाड़े में रखा गया है। जिस तरीके से इनकी संख्या घट रही है, इसको देखते हुए पहले मर चुके वन भैंसा के कंकालों को संग्रहालय में सुरक्षित रखने की तैयारी चल रही है। यदि समय रहते जंगली जानवरों को सही संरक्षण और देखभाल नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी इनको देख नहीं पाएंगे। वन विभाग मरे वन भैंसा के कंकालों को जमीन से निकालकर संग्रहालय में रखने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इन पर अध्ययन किया जा सके। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जहां मरे हुए वन भैंसा के कंकाल को संग्रहालय में रखने की तैयारी की जा रही है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।